दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक जंगल में ऐसा कुछ हो रहा है जिससे पूरा गांव कांप रहा है? चलिए जानते हैं इस खौफनाक घटना के बारे में। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक एक बार फिर से फैल गया है। अमावस्या की काली रात में, जब पूरा गांव सोने की तैयारी में था, तब इन खतरनाक जानवरों ने एक बार फिर से हमला कर दिया और 3 निर्दोष लोगों की जान ले ली। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है और ग्रामीण अपने घरों में बंद होकर भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। घटना बीते रात की है, जब अमावस्या की रात में अंधकार ने पूरा गांव घेर रखा था। यह रात वैसे ही रहस्यमय और खौफनाक मानी जाती है और इसी रात को बहराइच के इस गांव में आदमखोर भेड़ियों ने एक बार फिर से हमला कर दिया। भेड़ियों का यह झुंड, जो पहले से ही इलाके में 9 लोगों की जान ले चुका है, एक बार फिर सक्रिय हो गया। 3 और लोगों को अपनी भूख का शिकार बनाकर इन भेड़ियों ने पूरे गांव में हाहाकार मचा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब वे अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से भेड़ियों का यह झुंड निकल आया और देखते ही देखते उन पर हमला कर दिया। उनमें से कोई भी बच नहीं पाया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचित किया, लेकिन जब तक मदद पहुंची, तब तक ये भेड़िये अपने शिकार के साथ जंगल की ओर भाग चुके थे। पिछले कुछ महीनों से यह झुंड बहराइच के कई गांवों में दहशत का कारण बना हुआ है। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम लगातार इन भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन इस झुंड का सबसे खतरनाक और शातिर भेड़िया, जिसे लंगड़ा भेड़िया कहा जा रहा है, अभी भी पकड़ से बाहर है। लंगड़ा भेड़िया इस पूरे गैंग का सरदार माना जा रहा है। इसके पैर में एक पुरानी चोट है, जिसके कारण इसे लंगड़ाते हुए देखा गया है। इस भेड़िये की चालाकी और शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे पकड़ने के लिए वन विभाग की करीब 15 टीमें ड्रोन कैमरों की मदद से लाइव ट्रैकिंग कर रही हैं। बावजूद इसके, यह भेड़िया अब तक पकड़ में नहीं आ पाया है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि अमावस्या की रात को भेड़िये और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रात को भेड़ियों की शक्ति बढ़ जाती है और वे अपने शिकार के लिए जंगल से बाहर आते हैं। इस खौफनाक रात में, जब चारों ओर अंधेरा छाया होता है, ये भेड़िये अपने झुंड को एक विशेष प्रकार की आवाज निकालकर बुलाते हैं और साथ में शिकार करने के लिए निकलते हैं। लंगड़ा भेड़िया को लेकर गांव में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कुछ का मानना है कि यह भेड़िया साधारण जानवर नहीं है, बल्कि इसमें कुछ अलौकिक शक्तियां हैं जो इसे इतना खतरनाक बनाती हैं। कुछ गांव वाले कहते हैं कि इस भेड़िये पर किसी तांत्रिक ने कुछ मंत्र किए हैं, जिसके कारण यह इतना शक्तिशाली और चालाक हो गया है। कई गांव वालों का यह भी मानना है कि लंगड़ा भेड़िया उन शिकारियों से बदला लेने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने इसे घायल किया था। उनके अनुसार, जब तक यह भेड़िया पकड़ा नहीं जाता, तब तक गांव में शांति नहीं हो सकती। 2 सितंबर की सुबह से ही वन विभाग और पुलिस की टीमों ने एक बार फिर से इस खूंखार भेड़िये को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। ड्रोन कैमरों से जंगल के चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है और पैक की 3 कंपनी और 200 से अधिक पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। हालांकि एक पल के लिए वह खूंखार भेड़िया ड्रोन कैमरे में नजर भी आया, लेकिन उसकी चालाकी और तेजी के कारण वह फिर से वन विभाग की टीम की पकड़ से बाहर हो गया। इस बीच गांव में डर का माहौल बना हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं और रात को घरों में ही बंद रह रहे हैं। गांव के बुजुर्ग और महिलाएं लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि इस अमावस्या की रात में कुछ भी अनहोनी न हो। गांव के लोगों के बीच कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस भेड़िये को पकड़ना असंभव है, क्योंकि इसमें अलौकिक शक्तियां हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस भेड़िये के साथ भूत प्रेत का साया है, जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा है।
अमावस्या की इस रात को ही वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने यह निश्चय किया कि वे इस भेड़िये को पकड़कर ही रहेंगे। पूरी रात ऑपरेशन चलाया गया और अंततः सुबह के समय जब भेड़िये अपने झुंड के साथ गांव की ओर बढ़ रहे थे तभी वन विभाग की टीम ने उन्हें घेर लिया। फायरिंग के बाद लंगड़ा भेड़िया घायल हो गया और उसे पकड़ लिया गया। उसके झुंड के बाकी भेड़िये भी जंगल की ओर भाग गए लेकिन इस बार वे गांव की सीमा से बाहर नहीं जा पाए। वन विभाग की टीम ने उन्हें भी पकड़ लिया। लंगड़ा भेड़िये की मौत के बाद गांव में शांति लौट आई लेकिन यह शांति कितनी समय तक टिकेगी यह कोई नहीं जानता। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि इस भेड़िये की मौत के साथ ही यह खौफनाक कहानी खत्म नहीं हुई है। वे मानते हैं कि जब तक जंगल है तब तक भेड़ियों का खौफ भी बना रहेगा। आज भी गांव के लोग हर अमावस्या की रात को अपने घरों में बंद हो जाते हैं और जंगल की ओर देखने से भी डरते हैं क्योंकि उन्हें अब भी लगता है कि कहीं न कहीं लंगड़ा भेड़िया या उसका कोई साथी अब भी उनका इंतजार कर रहा है। लंगड़ा भेड़िये की मौत के बाद गांव के लोग अपने सामान्य जीवन में लौट आए हैं लेकिन अमावस्या की रात का खौफ अब भी उनके दिलों में जिंदा है। क्या यह केवल एक भेड़िये का खौफ था या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा था यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। गांव में लोग अब भी इस घटना को याद करते हैं और इसे एक चेतावनी के रूप में देखते हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना कभी कभी कितना खतरनाक हो सकता है। इस वीडियो के आधार पर दी गई जानकारी पूरी तरह से सच है और स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित है। वन विभाग और पुलिस इस घटना के बारे में और अधिक जानकारी जुटा रहे हैं और सुरक्षा के उपायों पर काम कर रहे हैं। इस खौफनाक घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अमावस्या की रातें सच में खतरनाक हो सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।